इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि मिथोलॉजी पर। देश में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इतिहास और मिथोलॉजी का अंतर नहीं पता। वे दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं और पौराणिक कथाओं को भी इतिहास का हिस्सा मानते हैं। हैरान तो ये बात करती है कि इस प्रकार के भ्रम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग फंसे दिखाई देते हैं। अनपढ़ आदमी में तो इतिहास की समझ नहीं होती, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग जो इतिहास से खूब परिचित होता है, वह इन मिथकीय पात्रों को भी इतिहास से जोड़कर देखता है। कई दशक पहले देवकी नंदन खत्री ने एक उपन्यास लिखा था, चंद्रकांता। देवकी नंदन खुद इस उपन्यास के एक पात्र थे। इसी उपन्यास पर बाद में एक धारावाहिक बना जो दूरदर्शन पर 1994 से शुरू हुआ। यह धारावाहिक काफी पॉपुलर हुआ था। इस उपन्यास की कहानी विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता पर केंद्रित है, जो अपनी असली पहचान और अतीत से अनजान है। हालांकि जब नौगढ़ का राजकुमार वीर उसके जीवन में प्रवेश करता है तो उसे अपनी असली मंजिल याद आ जाती है और वो उसे पूरा करने निकल पड़ती है। दो राज्यों के बीच खिंची नफरत की तलवारों के बीच चंद्रकांता और वीर की यह प्रेम कहानी रहस्य, रोमांच, युद्ध और शूरवीरता की दास्तान है। आज से 200 साल बाद अगर इस उपन्यास को भी इतिहास बताकर प्रचारित करवा दिया जाए, इस उपन्यास के नायकों का महिमा वर्णन शुरू हो जाए और इसके पात्रों के मंदिर बनने शुरू हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोई प्रमाण मांगे तो फट से इतना कह देना ही काफी रहेगा, देखो आज भी नौगढ़ और विजयगढ़ नामक जगह मौजूद है। तो इसका अर्थ हुआ कि वहां चंद्रकांता भी रही होगी, उसे वीर से प्यार भी हुआ होगा और दोनों राज्यों के बीच युद्ध भी हुआ होगा। इसलिए चंद्रकांता पूरी तरह इतिहास है। इस पर उंगली उठाने वालों को देशद्रोही घोषित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे लोग हमारे महान पूर्वजों का सबूत मांगकर उनका घोर अपमान कर रहे हैं। आपको ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन महाभारत और रामायण नामक उपन्यास और उसके किरदारों के साथ यही तो हुआ है। यहाँ हम बात करेंगे केवल महाभारत नामक उपन्यास की, जिसकी रचना वेद व्यास ने की। कब की पता नहीं, कोई इतिहास नहीं। इस ग्रंथ में जो युद्ध हुआ वो कब हुआ पता नहीं, कोई इतिहास नहीं। आज तक महाभारत से जुड़ा एक ढेला भी पुरातत्व विभाग को नहीं मिला। जब इस ग्रंथ का कोई काल ही निर्धारित नहीं है, तब हम इसे किस कालखंड से जोड़ें? सबसे पहले तो हमें यह भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। वेद व्यास ने महाभारत नहीं, जय नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें मात्र 8,800 श्लोक थे। व्यास के बाद जय नामक ग्रंथ के दूसरे संपादक थे वैशंपायन, जिन्होंने जय नामक ग्रंथ को भारत संहिता बताकर इसमें 16,000 नए श्लोक जोड़ दिए। वैशंपायन के बाद इस ग्रंथ के एक और संपादक हुए उग्रसुर्वासैति, जिन्होंने भारत संहिता को महाभारत नामक ग्रंथ बनाकर उसमें 70,000 नए श्लोक जोड़ दिए। यही महाभारत ग्रंथ वर्तमान में हमारे सामने है। आज इस ग्रंथ में 1,00,000 से ज्यादा श्लोक हैं। इस ग्रंथ में घोर जातिवाद तो है ही, साथ ही ये ग्रंथ क्षत्रिय को वस्तु के समान दर्शाता है, उसे भाइयों में बांट देता है, उसे जुए में दांव पर लगा देता है, धर्मराज से झूठ बुलवाता है, कर्ण को शूद्र पुत्र बताता है, विदुर को दासी पुत्र कहता है। नैतिक रूप से देखा जाए तो ये बेहद बचकानी किताब है। हाँ, कहानी के हिसाब से एक बेहतरीन कल्पना कह सकते हैं। बहरहाल इसकी कहानी पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बच्चा बच्चा जानता है। आप सिर्फ इतना सोचिए कि किस बिना पर इसे इतिहास ग्रंथ माना जाए, जबकि इसकी भाषा संस्कृत के 550 साल पहले के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। जिस काल को महाभारत काल बताया जाता है, उस काल की मेसोपोटामिया सभ्यता का कहीं कोई जिक्र नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में महाभारत का कोई निशान नहीं। किस आधार पर इसे ऐतिहासिक माना जा रहा, जिसके किरदारों के जन्म की कोई तारीख वर्ष दर्ज नहीं? कुछ लोग सिर पर धर्म का सदियों पुराना कूड़ा लिए 21वीं सदी में जी रहे हैं। इन लोगों को इतिहास से कोई मतलब नहीं, इन्हें हर क्षेत्र में अपने धार्मिक कचरे को फैलाने की पुरानी आदत है, क्योंकि इन जातिवादी ग्रंथों में इनके पूर्वजों की लिखी इनके हितों की बातें हैं, और इन्हीं ग्रंथों की वजह से ये असमानतावादी लोग सदियों से वर्चस्व में रहे हैं। इतिहास के बारे में परजीवियों के आईटी सेल से जो मटेरियल तैयार होता है, उसका वास्तविक इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। असल में जिनकी वर्तमान में कोई उपलब्धियां नहीं होती, वही लोग इतिहास इतिहास चिल्लाते हैं, और जिनका इतिहास ही मनगढ़ंत हो तो सोचिए वो लोग कहां पर खड़े हैं। और जब कोई इनकी इस जहालत को दूर करने का प्रयास करता है तो ये लोग उसे गालियां देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, यहां तक कि उसे मार डालते हैं। भारत में ईश्वर केंद्रित धर्मों और उनके ग्रंथों के विरुद्ध आवाज आज से नहीं उठ रही, ये परंपरा भी उतनी ही पुरानी है जितने ये धर्म। जब जब धर्म जनसमूहों के शोषण का आधार बना है, तब तब इसी समाज के लोगों ने ही उसके विरुद्ध आवाज भी बुलंद की है। इस देश में विद्वानों और युग पुरुषों की एक लंबी परंपरा रही है, चार्वाकों से लेकर स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, राहुल सांस्कृतियान, डॉक्टर अंबेडकर, रामास्वामी पेरियर, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, इन्हें पढ़कर देखिएगा। इतना याद रखिए कि कोई भी धर्म कभी भी इंसानियत का हितैषी नहीं रहा, इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। भगत सिंह ने बिल्कुल सही कहा था, धर्म और ईश्वर को मैं मानवता के लिए सबसे निकृष्ट मानता हूँ। धर्म की कोई भी किताब आलोचनाओं से परे नहीं है। वेद, कुरान, बाइबल, रामायण या महाभारत, कोई भी किताब हो, इन सब की रचनाएं इंसानों ने ही की। हो सकता है इन धार्मिक किताबों में लिखी कुछ बातें तात्कालिक समय के लिए कुछ उपयोगी रही, लेकिन आज उनकी कोई उपयोगिता नहीं है।
भले ही कितना ही झूठ गढ़कर इन्हें वैज्ञानिक साबित करने की कोशिश कीजिए, ये समाज को पतन में ही ले जाएंगे। जैसे 10 साल पुरानी बुखार की दवा आज किसी के बुखार को ठीक नहीं कर सकती, चाहे वो 10 साल पहले कितनी ही कारगर क्यों न रही हो। आज कूड़े के समान, वैसे ही ये सभी ग्रंथ आज किसी काम के नहीं बल्कि समाज के लिए घातक हो चुके हैं। इनका त्याग बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मजहबी किताबें ही सिखाती हैं आपस में बैर रखना।